જનતાના વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। शासक पक्ष द्वारा सरकार ना 5 वर्ष की सफलता की उजवनी कराई तो बीजी तरफ कांग्रेस द्वारा प्रजा ने स्पष्टता विविध मुद्दाओं पेट्रोल डीजल शिक्षण स्वास्थ्य मोंघवारी ने लईने विरोध प्रदर्शन अभियान पण जारी रह्या। त्यारे आज कांग्रेस द्वारा वडोदरा महानगरपालिका ना कांग्रेस पक्षना विपक्ष नेता अमीबेन रावत पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव तथा कांग्रेस काउंसिलरोए आज 5 वागे जनता ना मुद्दाओं ने लई कॉर्पोरेशन ना कम्पाउंड में प्रेस कॉन्फरेंस योजी हती। कॉर्पोरेशन नी जनरल बोर्ड नी मीटिंग महीना में एक वक्त आ मीटिंग मळती होय। शहेरना तमाम प्रश्नों नी चर्चा करीने जे शहेरना हित में डिसीजन्स लेवाना होय कॉर्पोरेशन ना ट्रस्टीज नी या कॉर्पोरेटर्स नी सुप्रीम ऑथोरिटी कहेवाय। 3-4 सभा थी सभा मुलतवी रहती थी, अनेक कारणोसर कोरोना ने लीधे ऑफलाइन सभा थई। आ चूंटायेला बोर्ड नी कदाच फर्स्ट आवी ते डिटेल में सेकंड सभा हती जे काले मड़ी। पाछला 5 वर्ष में अमे सभा जोई छे, अमारा भथ्थूभाई तो 35 वर्ष थी बधी सभाओ जोई छे अने सभा में जे रीते प्रणालिकाओ चालती आवे छे वर्षो थी अने जे रीतना डेकोरम में सभा कंडक्ट थती होय छे चोक्कस एमने 35 वर्षनी जे अगाउनी सभाओ छे ने कालनी सभा जोई एमां खूब विरोधाभास जोयो हशे एटले एमने काले सभामांथी निकली जवानुं मुनासिब लाग्युं। कारण के जे रीतना बिहेवियर रूलिंग पार्टी ना कॉर्पोरेटर्स नु हतु विपक्ष अमे ओछा लोको तो कोई नो अवाज संभळाय ज नहीं ए रीतना घोंघाट अने जे माहौल क्रिएट करवामां आव्यो हतो तो स्वाभाविक रीते एक सीनियर अमारा पूर्व विपक्षना नेता होय 35 वर्षथी सीनियर काउंसिलर होय अने जो एमनी वात बी संभळाती ना होय तो आ परिस्थितिमां एमने वॉकआउट करवुं योग्य लाग्युं। पण ए जे मुद्दा रेस करवाना होय छे विपक्ष जे मुद्दा रेस करवाना होय छे आ सभामां ए तमाम मुद्दा आजे एमने प्रेस समक्ष अहींया मूक्या। आपना मार्फते भारतीय जनता पार्टी ना मेयर जे सभाना अध्यक्ष स्थाने होय छे ए मेयर श्री ने भी रिक्वेस्ट करवा मांगू छू के जे सीनियर काउंसिलर्स होय जे काउंसिलर्स होय कोई अगत्यनी वात सभा में ड्रॉ करवा मांगता होय विपक्ष ने तमे स्टेन्डिंग कमिटी में स्थान नथी आप्यू। स्टेन्डिंग कमिटी में अमे अमारो ओपिनियन रेज नथी करी शकता। बीजी कोई कमिटीज के फोरम में भी अमे नथी तो अमारी पासे में एकमात्र आज जगह है कि ज्यां जनरल बोर्ड में अमे अमारो ओपिनियन रेस करिए। अमे बरोडा शहर ने चूंटायेला प्रतिनिधि छे, जो 51% लोकोए भाजपने वोट आप्यो होय तो 49% बाकीना लोको विपक्ष माटे एमनो पक्ष राखवा माटे अमारा पर डिपेन्डंट छे। एवा समय अमने आखा शहर मांथी अनेक जग्याएथी रजूआतो आवती होय ने ए रजूआत करवामां येन केन रीते समय बगाड़वानी वात होय छे। जे नॉन इश्यूज हो एवा इश्यू पर खुर्सी केम आपी एना पर चर्चा करवामां आवे। दरखास्त जे अमे मूक्या होय दरखास्त ने प्रणालिका जीपीएमसी एक्ट ना नियम मुजब ज्यारे एने डिस्कस करीने आइधर तमे चढ़ाओ ना चढ़ाओ मेयर श्रीनी सत्ता छे एनु कारण आपीने तमारे उकेल लावानो होय तो दरेक वस्तु पर जे रीते चर्चा थई एने चर्चा पछी तमे मल्टीपल आक्षेपो करो तो आक्षेपोनो सामे जवाब सांभळवानी भी तैयारी ना होय। आ तमाम वस्तु पाछळ जे प्रणालिकाओ हती ए प्रमाणे नहोती। अगाउ जे सभा हती 2-2, 3-3 दिवस अर्धी अर्धी रात सुधी सभाओ चालती थी कोई ने कोई रीते अटकावा नहोता आवता। दरेक सभासदनो मान सम्मान जळवाय अने दरेकने सांभळवामां आवता हता। पण सम्हाउ हवे 25 वर्षथी जे रीते बरोडानी जनता भारतीय जनता पार्टीने चूंटीने लईने आवे छे तो कसेक एक अहम छे कि अमे कोई खोटा निर्णय लेता ज नथी। अने ज्यारे विपक्ष आ वस्तु रेस करवा मांगे छे तो एक ज वात थती होय छे कि अमे 25 वर्षथी जीतीने आवे छे एटले अमारा निर्णय में कोई भूल न होय। पछी भले 46 प्लॉट एमने पाछा लई लेवाना लेवा पड्या होय ने कायदाकीय रीते ए प्लॉट ग्रीन बेल्टनी जे स्पेस छे ए स्पेस बाबत अमे साची वात रजूआत करवा 46 प्लॉट आप्या भी एमने पाछा भी एमने लीधा। अने हवे काले एमना सभासदो होबाळा करता होय त्यारे मेयरे अध्यक्ष स्थाने एक सभानुं डेकोरम जाळवुं જોઈતું હતું। आ तमाम बाबते जे अमारा साथी पक्षना काउंसिलरो ने मन दुख थयुं छे, विशेष करीने सीनियर काउंसिलर भथ्थूभाई ने जेमने सांभळवामां नहोता आव्या अने एमने आ सभानुं डेकोरम नहीं गम्युं ने एमने एमांथी वॉकआउट करवुं पड्युं तो एना माटे फरी आवुं ना थाय अने विपक्षने एमनो पक्ष राखवा दे ए बाबते શહેરના હિતમાં આ બહુ અગત્યનું છે એના માટે આજે અમે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે। શહેરની અંદર જે ગંદુ પાણી આવે છે એની વાત અમે મૂકવાના હતા, એની સાથે સાથે સફાઈ સેવક જે રીડની હડ્ડી કહેવાય એ સફાઈ સેવકો ઉપર અન્યાય થાય છે, એમની ભરતીમાં કૌભાંડ થાય છે। આ 4-5 વર્ષમાં જેટલી ભરતીઓ થઈ છે એ ભરતીઓની અંદર
વડોદરા સેવા શહેરના યુવાનોને નોકરી નથી મળતી અને બહારના લોકોને નોકરી મળે છે, તો શું આ વડોદરા શહેરની એમએસ યુનિવર્સિટીમાં ભણેલો છોકરો શું એનું ભણતર ખરાબ છે? પણ ભણતર ખરાબ નથી, પણ કઈ રીતે આ લોકો ગોઠવણ કરીને બધા બહારના માણસો ઘૂસી જાય છે, નામો હટી જાય છે, જેમ આજે પર્દાફાશ થયું છે, એ વાત અમે કાયમ વારંવાર સભામાં અમે કીધી છે કે જ્યારે ઝૂંપડપટ્ટી તોડે, ત્યારે ઝૂંપડપટ્ટીમાં 800 માણસ હોય, 900 માણસની ઝૂંપડપટ્ટી હોય, તે વખતે ફોટો પડાવે અને ફોટો પડાવીને જ્યારે મકાન લેવા જાય તો એ 800 કે 900 ઝૂંપડપટ્ટી હોય એની જગ્યા સીધા 100 ઓછા થઈ જાય, એટલે પહેલાં 100 માણસ કટ થઈ જાય એની જગ્યા પર બીજાને ભરતી કરી દે. હવે તમે વિચાર કરો, છેલ્લા ઘણા વખતથી ચાલે છે અને ઘણા વખતથી અમે બોલીએ છીએ, એની ઇન્ક્વાયરી નહીં થઈ. અમે માનીએ છીએ કે આજે જે ભ્રષ્ટાચાર પકડાયું છે એ જ્યારથી જેટલી બી ચાહે જેટલી ફાળવણી કરી હોય, આવાસની હોય, NURMની હોય, પેલી ગૃહમંત્રી હોય, અરે મુખ્યમંત્રીની હોય, પ્રધાનમંત્રીની બધી યોજનાની અંદર કૌભાંડ છે છે ને છે, બધાની ચકાસણી કરે, તપાસ કરે અને જે એની પાછળ કોણ છે એને પણ ખોજે, કારણ કે અધિકારીની એટલી હિંમત નથી કે એક પણ મકાન આપી શકે, પણ કોઈના પ્રેશરથી કોઈના દબાણથી જો મકાનો આપ્યા છે તો એમના બી નામ ખુલવા જોઈએ, એવું અમારું સ્પષ્ટ માનવું છે. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર.